दो दिन के प्रवास पर शहडोल आए प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल की इनोवा कार का चालान कट गया। दरअसल ये चालान मंत्री जी की कार में नियम विरुद्ध तरीके से लगी काली फिल्म की वजह से काटा गया। जिला प्रशासन ने मंत्री जी के भ्रमण के लिए जिस गाड़ी की व्यवस्था की थी उस गाड़ी की कांच में काली फिल्म लगी थी। मंत्री जी ने जब ये देखा तो उन्होंने खुद ही चालान काटने को कहा, जिसके बाद यातायात DSP अखिलेश तिवारी के निर्देशन में सूबेदार अनुभव राय ने 500 रुपए का चालान काटा। साथ ही उस गाड़ी से काली फिल्म हटवाई और मंत्री जी के लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की गई। प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि जो गाड़ी मुझे काली फिल्म लगी हुई मिली थी मैंने उसका चालान कटवा लिया। नहीं, चालान हम ही ने कराया है, मुझे काले शीशे की गाड़ी में क्यों बिठाया गया जबकि सरकार से प्रतिबंधित है। सुरक्षा का मामला उसमें नहीं है, सुरक्षा तो काले शीशे में होगी, व्हाइट शीशे में भी होगी। कानून का पालन कराने वाले ही कानून का उल्लंघन कर रहे, मामला सीधा सीधा नहीं हुआ। अधिकारी ने उल्लंघन किया, मुझे लगा कि काले शीशे गाड़ी मुझे नहीं बैठना चाहिए, मैं तुरंत उधर के जिलाध्यक्ष की गाड़ी में बैठ गया। कानून के प्रति निष्ठा है उसका हम आदर करते हैं, इसलिए मैंने जो है उसके संदर्भ देश प्रदेश कानून जो होते हैं उसके अनुसार चलता है। हमें लग रहा है कि वो उल्लंघन हो रहा है, इसलिए गाड़ी को लेके OSD ने पहले यही सवाल उठा दिया था कि हॉर्न बज रहा है, गाड़ी का छत पर चू रहा है, यही से सवाल उठ गया था। हमने काले शीशे का विषय था, बाकी विषय नहीं था। चलिए, क्या कहना है, जो मेरा सवाल है जो विषय था उसको तो हमने उसको जुर्माना करा के उस विषय को समाप्त कर दिया। दूसरे गाड़ी को शामिल किया, क्या उसका कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री, आपके प्रोटोकॉल में जिस व्यक्ति ने वो गाड़ी को वाहन को शामिल किया, क्या उस पर कार्रवाई होगी? अब हम उसमें जांच करा ले, अगर जानबूझ के उसने ऐसी गलती की होगी तो कार्रवाई किया, भूल बस हो गया तो कौन से सजा देना, वो भी तो अपने परिवार का ही कोई सदस्य होगा। चलिए।